शुक्रवार तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत, लेकिन शनिवार आते आते वो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बन गए। जी हाँ, 114 दिन तीरथ सरकार चलाने के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रात को गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। तीरथ सिंह रावत ने अपनी विदाई को संवैधानिक संकट बताया। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी होती है और इसके लिए उन्हें 10 सितंबर से पहले उपचुनाव में जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी सभी चुनावों पर आयोग की रोक है। ऐसे में उत्तराखंड की दो खाली सीटों गंगोत्री और हल्द्वानी में उपचुनाव की संभावना नहीं है। सियासी जानकारों का मानना है यही वजह रही है कि तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा सौंपना पड़ा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कार्यकाल को लेकर भी जो सर्वे हुए उसमें नतीजे बीजेपी के लिए सुखद नहीं आ रहे थे। ऊपर से उनके विवादित बयानों के चलते रही सही कसर भी पूरी हो चुकी थी, क्योंकि उनके विवादित बयानों से संगठन और सरकार को कई बार असहज भी होना पड़ा था। आपको बता दें, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के 114 दिनों के कार्यकाल को देखें तो उनकी शुरुआत ही राष्ट्रीय स्तर पर विवादों से हो गई थी। अपनी एक छोटी सी पॉलिटिकल पारी में वो जहां सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में रहे, तो वहीं कोरोना काल की मुश्किलें। जी हां, 10 मार्च 2021 को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सीएम तीरथ का कार्यकाल शुरू हुआ था, लेकिन पद संभालते ही उन्होंने महिलाओं को लेकर एक ऐसा बयान दिया जो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों पर आ गया। जी हां, महिलाओं का रिप्ड यानी फटी हुई जीन्स पहनना कैसा संस्कार है। जी हां, इस बयान के चलते उनकी जमकर आलोचना हुई थी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस पर उन पर तीखी आलोचना की थी और देखते ही देखते ये बयान सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड पर भी आ गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। जिसके बाद एक और बयान जिसने सुर्खियां पकड़ी वो था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम और कृष्ण का अवतार माना जाएगा। इस बयान पर भी उन्हें कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। इन बयानों के बीच ही उन्होंने 100 दिन की उपलब्धियों का जश्न भी बनाया और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये कार्यकाल उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी जाहिर किया। तो संवैधानिक संकट के चलते तीरथ सिंह रावत को अपना त्याग पत्र देना पड़ा। अब रहा सवाल ये कि अब वो कौन से चेहरे हैं जिन पर बीजेपी आला कमान अपनी मोहर लगाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि नामों में सबसे आगे नाम कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का चल रहा है। इसी बीच विधायक धन सिंह रावत और बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक का नाम भी चर्चाओं में है। हालांकि जाति और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो सतपाल महाराज राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अभी आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार उत्तराखंड की बागडोर अब कौन संभालेगा। लेकिन कुल मिलाकर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 114 दिन मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद अपना त्याग पत्र दे चुके हैं और अब उत्तराखंड में एक नए मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।